वेलकम बैक, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो में। तो इससे पहले का वीडियो जो भी मनवाए हैं और मनाए थे आप लोग को दिए थे, उस वीडियो में मतलब अमा की इससे अलग हट के बात की है, मेडिकल फिजिकल के बारे में बात की है और जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में हम आपको अच्छा से शेयर मतलब जो भी हो सका हमसे हेल्प किए थे। तो इस वीडियो में आज से हम सोचे कि क्यों ना आप लोग के लिए प्लान चेंज करके कुछ आगे का जानकारी दिया जाए। तो ये मेरे पास अवेलेबल है अभी जीडी 2021 का जो भी मतलब सीट आपको किस स्टेट में किस एरिया में किस कास्ट में कितना सीट है आपको इस प्रकार से ये देखने को मिलता है, ठीक ना। यहाँ पे देख लीजिए बॉर्डर एरिया का ये पहला है और इसमें बॉर्डर एरिया का ये मेरा एरिया मतलब हम लोग का एरिया बॉर्डर आता है क्योंकि हम लोग नेपाल से जस्ट साइड में पड़ते हैं, तो ये मेरा बॉर्डर एरिया का है, ठीक ना। और इस प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए तीनों एरिया का दिया हुआ है, यहाँ पे बॉर्डर एरिया इसमें पूरा 3800 मतलब जो भी है सॉरी जो भी स्टेट है उसका सभी प्रकार दिया गया है। और यहाँ पे 10% जो भी मतलब सीट है ना उसका मतलब ये भी ले लिया है जो भी एक्स सर्विस मैन होगा आर्मी का उस प्रकार से। और यहाँ पे देख लेंगे यहाँ पे नेशनल एरिया का मेल वाला है और ये ऊपर जो है मेल कैंडिडेट का, ये जो है मतलब जो भी है मेल कैंडिडेट, बाकी जो मतलब जनरल एरिया का मेल कैंडिडेट है उसका है, ठीक ना। इस प्रकार से कुछ इसका सीट मतलब विभाजित किया गया है। और इसके बाद नीचे आइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फीमेल वाला वैकेंसी है, ठीक है। और ऊपर वाला देख सकते हैं आप लोग यहाँ से, ये जो है ना देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर एरिया का मेल वैकेंसी है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया गया है, देख लीजिए, ठीक है। और इससे आगे आज हम बात करने वाले हैं कि अब किस प्रकार से आपको समझना है कि आपके एरिया में आपके कास्ट में कितना सीट है, ठीक ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मेरा बिहार है, तो आपको हम पहले बिहार के बारे में अच्छा जानकारी देंगे ताकि आप लोग अच्छा समझ जाइएगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो हमसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप कमेंट टेलीग्राम से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा बिहार है, ठीक है, सॉरी हम लोग का बिहार है। तो यहाँ पे बिहार में कुछ सीट कितना है, बॉर्डर एरिया में 331 सीट है जिसमें आपको SC का सीट 53 को आता है, उसके बाद ST का सीट 3 को आता है और OBC 90 को आता है। और यहाँ पे अनरिजर्व जो होता है रिजर्व को जनरल के लिए उसको 152 है, उसके बाद EWR जो उसके लिए 33 सीट है। इस प्रकार से सभी सीट यहाँ पे विभाजित किया है। उसके बाद CSF के लिए यहाँ पे CSF के लिए इस बार 392 सीट, ठीक है, 392 सीट दिया गया है बिहार में जो बिहार के बॉर्डर एरिया में है उसके लिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे CRPF, इस बार सबको पता है कि CRPF की वैकेंसी सबसे मतलब जीरो है, दिया ही नहीं है CRPF। उसके बाद SSB में 196 सीट है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 63 सीट आपको ATBP में आता है, उसके बाद 164 सीट असम रैफल, यार बोले तो असम रैफल होता है। उसके बाद NI में पोस्ट स्क्वायर जीरो था, उसके बाद SSF में कुछ पोस्ट है लेकिन यहाँ पे बिहार के बॉर्डर एरिया में बिल्कुल नहीं दिया गया है। उसके टोटल 1146 सीट बिहार में अवेलेबल है, ठीक ना। इस प्रकार से हम टोटल आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद बिहार के बाद आ जाइए, तो बिहार के बाद चंडीगढ़ आता है, चंडीगढ़ में यहाँ पे जैसे चार सीट, उसके बाद यहाँ पे चार सीट, यहाँ पे CRPF के जीरो आई है चार सीट के बाद यहाँ पे, तो मतलब वहाँ पे चंडीगढ़ में बहुत कम मतलब चंडीगढ़ में टोटल बॉर्डर एरिया में टोटल सीट है 12 को, ठीक ना। इस प्रकार से यहाँ पे मतलब बहुत कम, जितना कम बोलिए उतना कम है। तो इस प्रकार से सभी स्टेट का आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका PDF हम ऑलरेडी अपना टेलीग्राम में डाल दिए हैं, जो टेलीग्राम से ID है SSC GD कॉन्स्टेबल ग्रुप 2023 के नाम से बना हुआ है और इसमें आप लोग तैयारी का अच्छा कर सकते हैं। और इसका PDF हम वहाँ पे जाके डाल दिए हैं, वहाँ पे जाके अपना लोग चेक कर लीजिए। अब इसको मतलब आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि हमारा स्टेट में इतना डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट है, तो कमेंट कीजिएगा तो हम खुद क्लियर आगे से बता पाएंगे, ठीक ना, और वीडियो का उसको समझा देंगे तो ताकि आप लोग को लिए कोई दिक्कत ना हो। एक वीडियो हम लोग प्रयास करेंगे 2 दिन भी डालने के लिए, ठीक ना, थोड़ा हम बिजी रहें कॉलेज वगैरह के वर्क से। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।